मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्मदिन है। इसी को लेकर राजभर में मनसे कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में बैनर लगा रहे हैं और राज ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। थाने के मुमरा इलाके में भी ऐसा ही ग्रीटिंग बैनर लगाया गया था। हालांकि देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस बैनर को फाड़ दिया, तो इस घटना के बाद मनसे कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय पर मनसे के इरफान सैयद ने क्या कुछ जानकारी दी। हमारे राज साहब का 14 तारीख को बर्थडे है, तो इसलिए अभी हमने 5-6 बजे करीबन हमने 5-6 बैनर मुमरा में लगाए हैं। ये बैनर जो है हमने नूरानी होटल के सामने लगाया था, तो यहाँ के कुछ मैं बाहर गया था तो कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि मनसे का आपका बैनर फट गया है। बड़ी अफसोस की बात है कि कल हमारे राज साहब का बर्थडे है और किसी ने बैनर फाड़ दिया है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मनसे का बैनर फाड़ करके मुमरा में मनसे का बैनर नहीं लगेंगे, तो ये गलत बात है, ये उनकी सोच गलत है। जिनको भी करना है तो वो सामने से आके करे, पीठ पीछे ना करे। और हम यहाँ के प्रशासन से मुमरा पुलिस स्टेशन में जा करके कंप्लेन लेटर देंगे उनको, और हम उनसे अपील करते हैं कि यहाँ के जो सीसी कैमरा है मुमरा में, जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहाँ है, नूरानी होटल में है, तो ये फुटेज जो है चेकअप किया जाए, उनका वो किया जाए। हमारे यहाँ पर जो है हमारे जो महाराष्ट्र के संजय नायक सर हैं, उनसे हमारी बात की, तो ये हमने बताया है। आरिफ शेख हैं जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, सर चिटनीस हैं, उनको हमने बात की है। सुशांत सर को हमने, हमारे बड़े जितने भी है अविनाश दादा सर हैं, उनसे हमने बात किया है, तो हमने सबको इत्तला दी है इसके बारे में। अभी हम आए हैं, बाहर गए थे, तो अभी हम देखते हैं, अभी हम जा करके कंप्लेंट करते हैं उनके बारे में।